गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के मोस्ट टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों दिन की करंट अफेयर को हमने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और पिछले से जितना भी करंट अफेयर डिस्कस नहीं की है और एक वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे, उसके सभी को डिस्कस करेंगे। सो आज की करंट अफेयर की ये रहे पहला क्वेश्चन नंबर वन, हु इनागुरेटेड 37th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इन फरीदाबाद हरियाणा। हु इनागुरेटेड 37th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला इन फरीदाबाद हरियाणा। ये है प्रेसिडेंट मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू मैम ने ये इनागुरेट करी है 37th सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हरियाणा में, हरियाणा की फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। ये एक लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर है, मतलब ये जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनागुरेट की है, ये एक लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर इन द वर्ल्ड। ये सेकेंड फेब 2018 फेब 2024 तक ये सेलिब्रेट की जाएगी, मतलब अभी ये सेलिब्रेट की जा रहा है, याद रखिएगा। ये हरियाणा में, हरियाणा की फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। एंड इसका कैपिटल कौन है? हरियाणा की कैपिटल है, कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर, सीएम मनोहर लाल खट्टर, कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है बंदारू दत्तात्रेय। गवर्नर है, सीएम है मनोहर लाल खट्टर, कैपिटल है चंडीगढ़। नेक्स्ट नंबर टू, इन रिसेंटली इब्राहिम इस्कंदर हैज बिकम द न्यू सुल्तान ऑफ विच कंट्री। इन रिसेंटली इब्राहिम इस्कंदर हैज बिकम द न्यू सुल्तान ऑफ विच कंट्री। ये कौन सी कंट्री की सुल्तान बने हैं? ये है मलेशिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मलेशिया 17th सुल्तान बने। किसने? इस्कंदर, इब्राहिम इस्कंदर, जो कि मलेशिया की 17th सुल्तान बने। एंड कैपिटल आपको पूछे तो मलेशिया की ये है कुआलालंपुर, बस इतना ही याद रखना। ये 17th सुल्तान बने, इब्राहिम इस्कंदर रिसेंटली बने हैं न्यू सुल्तान, जो कि मलेशिया के। नेक्स्ट नंबर थ्री, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई, यानी TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 3 ईयर टर्म के लिए। किसने ये बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनिल कुमार लाहोटी, जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो रहे, इसका 3 ईयर के टर्म के लिए उन्होंने चेयरमैन बने हैं। पहले से उन्होंने जो कि फॉर्मर रेलवे बोर्ड की चीफ था, एंड अभी करेंटली जो कि अनिल कुमार लाहोटी, ये बने हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट नंबर फोर, हु लंचेस MOE AICTE, यानी इसका फुल फॉर्म क्या है? MOE की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE, एंड AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन्वेस्टर नेटवर्क। हु लॉन्चेस, किसने ये लॉन्च की है? MOE AICTE, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन्वेस्टर नेटवर्क, ये है श्री धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, श्री धर्मेंद्र प्रधान ये लॉन्च की है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान रहे। प्रधान लॉन्च्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE। AICTE का फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, अभी डिस्कस किया हमने, जो कि इन्वेस्टर नेटवर्क इन न्यू दिल्ली टुडे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री के संजय मूर्ति, जो कि हायर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की रहे श्री के संजय मूर्ति। चेयरमैन AICTE की जो चेयरमैन रहे प्रोफेसर टी जी सीतारामन, जो कि चेयरमैन रहे। वाइस चेयरमैन है AICTE डॉक्टर अभय जेरा, एंड चेयरमैन नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर NBA NASC प्रोफेसर अनिल सहस्रबुद्धे, ये सभी ने जो कि प्रेजेंट था ये इवेंट में। बस अब इतना ही याद रखना कि ये MOE यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये जो इन्वेस्टर नेटवर्क, ये श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा मतलब लॉन्च की गई है। नेक्स्ट नंबर फाइव, हु प्रेजेंटेड द बजट मोस्ट टाइम इन इंडिया। हु प्रेजेंटेड द बजट मोस्ट टाइम इन इंडिया, किसने जो कि प्रेजेंट किया है बजट
मोस्ट टाइम इन इंडिया ये है, ये है मोरारजी देसाई। असम शीतोष्ण आंसर, मोरारजी देसाई सबसे मतलब मोस्ट टाइम जो कि बजट को प्रेजेंट की है, मोरारजी देसाई मतलब फिनांस मिनिस्टर। याद रखिएगा टोटल मतलब आपको पूछे तो 10 यूनियन बजट दी है किसने, मोरारजी देसाई ने। मतलब अभी के टाइम में जो फिनांस मिनिस्टर आपको पूछे तो ये कौन है, ये है निर्मला सीतारमन। ऑप्शन ए पर रहे निर्मला सीतारमन जो कि अभी के टाइम में जो फिनांस मिनिस्टर रहे, एंड उन्होंने जो कि 6th बजट दी है, ये सभी को याद रखिएगा 6th बजट दी है। एंड सबसे जो मोस्ट टाइम्स बजट दी है ये है मोरारजी देसाई के द्वारा, मतलब 10 यूनियन बजट दी है। एंड अभी करेंटली जो कि फर्स्ट फरवरी में जो कि निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बजट दी गई है 2024 की बजट 1 फरवरी। एंड याद रखिएगा ये जो निर्मला सीतारमन है ना, ये 39th फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, 39th फाइनेंस मिनिस्टर। एंड 38 आपको पूछे तो 38 फाइनेंस मिनिस्टर है ये है अरुण जेटले जो कि 38 फाइनेंस मिनिस्टर है, याद रखिएगा। एंड फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, 39 पर रहे जो कि मतलब अभी के टाइम में जो निर्मला सीतारमन, एंड 38 जो कि फाइनेंस मिनिस्टर ये है अरुण जेटले। एंड फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ये है आर के सहन मुकाम, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 6, हाउ मच लाख करोड़ रुपीज वाज जीएसटी कलेक्टेड इन जनवरी 2024, हाउ मच लाख करोड़ रुपीज वाज जीएसटी कलेक्टेड इन जनवरी 2024, ये है 1,72,129 करोड़ की जीएसटी कलेक्ट की गई है जनवरी 2024 में, जो बजट में 1,72,000 जो कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 72,129 करोड़, याद रखिए 2024 की बजट में जीएसटी कलेक्ट की गई है। एंड आपको 2023 की जीएसटी आपको पूछे तो जो कलेक्ट की गई थी 2023 में ये है ऑप्शन ए पर है 1,55,922 करोड़ की जो कि जीएसटी 2023 में ये कलेक्ट की गई है, मतलब 2023 से 10% ग्रो की है, 10% जो कि 2024 में जो जीएसटी दी गई है, मतलब 2023 से 10% ग्रो की है। एंड जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, याद रखिएगा जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। एंड जीएसटी आपको पूछे तो 4 टाइप्स की है, कितने टाइप्स की जीएसटी रहे, 4 टाइप्स की है, अभी सभी को डिस्कस करेंगे हमने जो 4 टाइप्स की जीएसटी रहे। एक तो रहे मतलब ICST, इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। दूसरा रहा SGST, इसका फुल फॉर्म है स्टेट जीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। एंड 3 पर रहे CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। एंड 4 पर रहे UTGST, यूनियन टेरिटोरी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, ये रहे मतलब जो कि 4 टाइप्स के, SGST, IGST, SGST, CGST एंड UTGST, यूनियन टेरिटोरी जीएसटी, सभी को याद रखना। एंड अभी के टाइम में जो जीएसटी रहे जो बजट में दी गई है ये है जो कलेक्ट की गई है जीएसटी 2024 जनवरी में 1,72,129 करोड़ की है। जीएसटी डे है जुलाई 1, जीएसटी डे याद रखिएगा सभी को। हमने जितना भी पिछले से करंट अफेयर डिस्कस नहीं की और एक करंट अफेयर वीडियो में हमने डिस्कस करेंगे, सभी को डिस्कस करेंगे। एंड जीएसटी रहे जो कि 5 टाइप्स की, 0% जो परसेंटेज के मामले में 0%, 5%, 12% एंड 18%, एंड और एक रहे 28% जीएसटी, सभी को याद रखना। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये होती है इंडिया की। एंड 2024 बजट में 1,72,129 करोड़ की जीएसटी कलेक्ट की गई है। नेक्स्ट नंबर 7, इन फेब्रुआरी 2024 संजय वर्मा हैज टेकन ओथ एज द मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इन फेब्रुआरी 2024 संजय वर्मा हैज टेकन ओथ एज द मेंबर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये है UPSSC की यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, UPSSC की बने, मतलब ये जो UPSSC जो एग्जाम रहे
आईएएस आईपीएस जो एग्ज़ाम रहे ये कंडक्ट करने वाला है, ये कंडक्ट करती है यूपीएससी। एंड इसका जो मतलब संजय वर्मा ने जो कि टेकन ओथ आज द मेंबर ऑफ द यूपीएससी की 1990 बैच की ये जो कि ऑफिसर हैं एंड ये यूपीएससी में शामिल की गई उन्हें। यूपीएससी चेयरमैन जो कि चेयरमैन है डॉक्टर मनोज सोनी के द्वारा ये ओथ ली गई है। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी चेयरमैन के जो कि चेयरमैन है यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी, इतना ही याद रखना। एंड ये 1990 बैच की ऑफिसर है। नेक्स्ट नंबर 8, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन क्विच डेट। वर्ल्ड वेटलैंड डे एक रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, मतलब ये कौन सी डेट को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, ये है 2 फरवरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2 फरवरी 2024 को वर्ल्ड वेटलैंड डे एक रहे, इंपॉर्टेंट है। एंड इसका थीम यहाँ रहे वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, इसका थीम है 2024 की। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट डे रहे, 1 फरवरी ये है इंडिया कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी ये है वेटलैंड डे जो कि 2 फरवरी, इसका थीम रहे वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। 3 फरवरी ये नेशनल गोल्डन रिट्रीवर डे एंड 4 फरवरी ये है वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी। 5 फरवरी ये है कश्मीर सॉलिडारिटी डे, याद रखिएगा इस टॉपिक को। नेक्स्ट नंबर 9, इन रिसेंटली ये मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रीडिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय, इन रिसेंटली ये मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रीडिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय, ये है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, DRDO, मतलब ये DRDO के द्वारा ये डेवलप की गई है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO के एक डेयर है जो कि 1 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है, DRDO डे 1 जनवरी। एंड रिसेंटली मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रीडिंग सिस्टम ये DRDO के द्वारा डेवलप की गई है, मतलब ये एक याद रखिएगा सर्वत्र ये मतलब ये एक ट्रक है जो कि कोई भी प्लेस में काम कर पाएगा, जो कि आर्मेंट एंड कंबाइंड इंजीनियरिंग सिस्टम ACE DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ये मतलब डेवलप करी गई है। अबाउट सर्वत्र, यहाँ सर्वत्र के बारे में दी गई है, जो सर्वत्र ये है द ट्रक माउंटेड ब्रिज इज कंपोज ऑफ 5 एल्यूमिनियम अलॉय। अब बस इतना ही याद रखना, ये जो सर्वत्र है मतलब ये एक मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रीडिंग सिस्टम, कोई भी प्लेस में ये नेटवर्क काम कर पाएगा, कोई भी प्लेस में ये मतलब वेल डेवलपिंग एक ट्रक, बस इतना ही याद रखना। DRDO के द्वारा लॉन्च की गई है। DRDO डे कौन सी रहे, 1 जनवरी। नेक्स्ट नंबर 10, दिस द लास्ट क्वेश्चन, इन रिसेंटली हु वाज अनाउंस्ड टू बी अवार्डेड भारत रत्न, किससे भारत रत्न दी जाइए, ये एक बीजेपी की लीडर है, याद रखिएगा लाल कृष्णा आडवाणी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लाल कृष्णा आडवाणी को ये दी जाएगी, मतलब बिहार की ये जो लाल कृष्णा आडवाणी जो कि उन्हें दी जाएगी। एंड अभी करेंटली डिस्कस की जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रहे, ये जो ऑप्शन ए पर रहे जो कि कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दी गई है अभी करेंटली, मतलब 2024 में ये दोनों ही भारत रत्न अचीव की है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट के द्वारा ये अनाउंसमेंट करी गई है जो कि लाल कृष्णा आडवाणी को दी जाएगी भारत रत्न, ये इंडिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है भारत रत्न। एंड देन पद्म विभूषण एंड 4th रहे पद्मश्री। सो फ्रेंड, ये सभी को याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट MCQ डेली करंट अफेयर के साथ। तब तक लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।